एक होता है नागरी में अड्डा, और एक होता है हमारी बॉलीवुड के अंदर एक ऐसी चैनल है जिसका नाम है बॉलीवुड अड्डा। तालियां हो जाए बड्डू भट्टे के लिए। भाई भाई मैंने निकाला ये सब, मैं उनको नमन करता हूँ। ऐसा साहब अपने दोस्तों को नहीं करते इनकार, खासकर लड़कियों को कभी नहीं करते इनकार, ऐसे हाँ बोलने वाले का नाम है इसरार। देखिए मैं एक सॉन्ग लॉन्च में आया हूँ जिसका नाम है बसेरा। मैं सबसे पहले तहे दिल से जो भी आर्टिस्ट इसमें काम किए हैं उनको, उनकी मेहनत को मैं आई वॉन्ट टू अप्रिशिएट इट। और मैं सबसे मेन इधर आया हूँ कल्याण जी के लिए, जो मेरे बहुत खास दोस्त हैं जो अवार्ड्स चलाते हैं, तो उनके कहने पे मैं इधर आया हूँ। एंड आई विश वेरी गुड लक एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस सॉन्ग बसेरा। सर आप क्या बोला करते, सर आप तो बहुत कम ही आते हैं मौका मिलता है, इस तरह की यूनिक नाम सुनकर आप जो आए, कुछ कुछ खास है तो आए कमाल खान के काम देखने के लिए। सबसे पहले तो पूरी बसेरा की टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसके जो प्रोड्यूसर्स हैं, डायरेक्टर हैं, इनके जो एक्टर हैं और जो कल्याण जी हैं, वो हमारे दिल के बहुत करीब हैं और हमसे बहुत जुड़े हुए हैं, और हमारे हर कार्य में वो कुछ ना कुछ इन सोशल कॉज से हमारे से जुड़े रहते हैं। तो आज उनका इतना बड़ा लॉन्च था तो हमने सोचा कि क्यों नहीं हम उस चीज़ को हिस्सा बने और उसकी कामयाबी में हमारा योगदान रहे। तो बसेरा की पूरी टीम को मेरी तरफ से, हम सब की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम उम्मीद करते हैं कि ये खाना बहुत अच्छा चले और एक सुपर। देखिए नमस्कार, मेरा नाम राज प्रेमी है और टीवी फिल्में वगैरह आपने देखी होंगी, बट ये मैं जब ताहिर कमाल खान ने मुझे इनवाइट किया था इस म्यूज़िक एल्बम के लॉन्च के लिए, तो मैं इस नाम से बहुत एक्साइट हो गया क्योंकि इस एल्बम का नाम है बसेरा और मैं यहीं रहता हूं ओशीवरा, जिसमें मेरी बिल्डिंग है, मेरी बिल्डिंग का नाम है बसेरा। मैं पिछले 25-30 सालों से यहीं रहता हूं, तो मेरे लिए तो ये मेरा घर हो गया। तो मैंने कहा मैं मेरे घर से निकल के मेरे घर के पास आ रहा हूं। और मैं ताहिर कमाल खान को बहुत सालों से जानता हूँ, बहुत मेहनत कर रहा है, हम सब मेहनत कर रहे हैं यहाँ पर सब बैठे, चाहे वो समीर जी हैं, चाहे रमेश गोयल जी हैं, नत्था साहब थे, आदिल है, हाजी भाई है, सब मेहनत करते हैं। किसी को मौका मिल जाता है, किसी को मौका नहीं मिलता, बस मौके का फ़र्क होता है और कुछ नहीं। और मैं भगवान से, अल्लाह से, खुदा से, वाहेगुरु से ये दुआ करता हूँ कि ताहिर के लिए ये मौका हो। क्या बात है ना, तो एक मौका चाहिए होता है हर कलाकार को, हर कलाकार अच्छा होता है सब, चाहे वो आज हम जवान की बात कर रहे हैं, पठान की बात कर रहे हैं। शाहरुख खान भी कभी टीवी सीरियल में काम करता था और उस वक़्त उसे एक अच्छी फिल्म की चाह थी, आज वो बहुत बड़ा स्टार है। सलमान खान भी कभी पीछे काम करता था, तो सबको एक मौके की ज़रूरत होती है। और मैं भगवान से सही में तहे दिल से ये दुआ करूँगा कि ये बसेरा आपके लिए वो मौका लाए ताहिर भाई, और आप बहुत बड़े बने, और बड़े बने या ना बने लेकिन कोशिश जरूर करते रहिए क्योंकि कोशिशें अक्सर कामयाब हो जाती हैं, है ना। तो मैं मीर साहब हैं, जितने भी इसमें इस, क्योंकि ये जो कोई भी चीज़, हाजी भाई मैं आपको बताना चाहता हूँ फिल्म लाइन के बारे में, कि कोई भी चीज़ हर आदमी हिट ही बनाना चाहता है, कोई इस बात इससे ऐसे शुरुआत नहीं करता है कि आओ मिलकर एक फ्लॉप चीज़ बनाते हैं, ऐसा कोई शुरुआत नहीं करता। तो हर चीज़ हिट बनाना चाहता है और हर चीज़ बनने में बहुत मेहनत लगती है, चाहे बुरी चीज़ भी बने लेकिन बुरी चीज़ बनने में भी मेहनत उतनी ही लगती है, बहुत मेहनत लगती है कोई भी चीज़ बनाने में। तो हम बस खाली ये मेहनत का हम ये देखना चाहते हैं कि वो मेहनत सही दिशा में की जा रही है या नहीं। और जब ये देखूंगा मैं, अभी तक तो मैंने ये गाना देखा नहीं है, टीज़र देखा नहीं है, जब देखूंगा तो मैं डेफिनेटली ताहिर को फ़ोन करके बताऊंगा कि तेरी मेहनत सही दिशा में है ना। तो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर ऑल द टीम और आप सबका धन्यवाद। आप बहुत, मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ी म्यूज़िक एल्बम की लॉन्चिंग है या किसी बड़ी फिल्म की लॉन्चिंग है, इतने सारे पत्रकार भाई हमारे सामने आए हुए हैं, तो उन सब के लिए बहुत बहुत बड़ी बात है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा कि आप सब, इतनी बड़ी तादाद में बहुत कम देखता हूँ भाई, जी, बहुत बड़ा, चाहे आपका योगदान हो, आपका योगदान हो, जिसका भी योगदान हो, चाहे आपके लिए आए हैं लेकिन बहुत बड़ी तादाद में आए हैं। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा बस, और क्या, आज तो हम दूसरे के प्रोग्राम के लिए आए हैं, आज आपको एक्चुअली ताहिर कमाल खान को बीच में बिठाना चाहिए,
और उनसे सवाल जवाब करना चाहिए, आप लोग है ना। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच। मेरे ख्याल से और अच्छे लग रहे हैं आदिल भाई, रेल में भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। बाइक देख रहे हैं कि बाइक पे पीछे बैठी वाली को देख रहे नहीं वो कौन मुझे पता नहीं, तो नहीं खड़ी है। हाँ आई विश मैं कमल भाई को चाहता हूँ कि एल्बम बहुत अच्छा आ जाए, बहुत अच्छा हो, सुपर हिट हो, और मैं तहे दिल से सबसे मेन मेरा भाई इधर है कल्याण जी, जो हमें हर चीज़ में जोड़ने की कोशिश करते हैं। आई रियली अप्रिशिएट हिम और मैं चाहता हूँ ये गाना बहुत अच्छा सफल हो। भाई का दिल इतना बड़ा है, उन्होंने एक अनाउंसमेंट कर दिया है मेरे लिए, मेरा प्रोजेक्ट आने वाला है। दुबई है 27-28, मैं पूछेंगे अड्डा। हाँ एक मिनट, पहले तो मैं सबको नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, जय महाकाल, इस प्रोड्यूसर डायरेक्टर को सबको और इसमें जितने भी कास्ट चाहे उनको सबको और ख़ास करके मीडिया को ये बताना चाहता हूँ कि आज का दिन मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है। मैंने कई म्यूज़िक वीडियो में गया हूँ मगर आज इसलिए मेरे लिए बड़ा दिन है कि मेरा लाडला चहिता स्टारों का स्टार सुपरस्टार कमाल खान साहब, कमाल जी इसमें हीरो हैं जिसका टाइटल है बसेरा, जावेद मीर साहब इसके प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं। मैं देखे इतने एल्बम देखे, इतने गाने मैंने सुने, मैंने खुद ने भी 2500 से ज़्यादा गाने किए हुए हैं, तो इनका गाना सुनने के बाद में ऐसा लगा कि जितना प्यारा टाइटल है और जिस हिसाब से लड़का लड़की ने काम किया, कमाल साहब ने जो काम किया है और जावेद मीर साहब ने जो इसमें डायरेक्शन दी है, बहुत ही कमाल की दी है। और मैं समझता हूँ कि 2023 का सबसे बड़ा हिट म्यूज़िक होगा ये, और मेरी तो दुआएं हैं, आशीर्वाद है, बाकी मीडिया है जो इसको चलाएंगी। बस इतना ही कहना चाहूँगा कि जब जब कोई नई चीज़ आती है और नए कलाकार आते हैं तो नए कमाल साहब नए नहीं है, मगर जब भी वो आते हैं तो हमेशा नए अवतार में आते हैं। ये जो बसेरा में जो आए बहुत ही कमाल लग रहे हैं और मैं समझ रहा हूँ कि शॉर्ट शॉर्ट होगा और इस साल का सबसे बड़ा एल्बम होगा ये। सबसे पहले तो मैं कमाल खान, मेरे छोटे भाई हैं, जब से कमाल खान तो खैर पहले से मुंबई में है, मैं तो 2010 में आया हूँ पिपली लैब के बाद में, तो जब से मिला हूँ कमाल खान को जान रहा हूँ मैं, उन्होंने कैसे कैसे काम किया और आज वो जो काम किया है और कर रहा है उसको मैं देखते आ रहा हूँ, तो मैं सबसे पहले उसको बहुत बहुत ऊपर वाले से, अल्लाह से, भगवान से ये दुआ करूँगा कि उस और अपना नाम कमाते रहे, आगे बढ़ते रहे। और बसेरा जो है एल्बम वो हर किसी के दिल में बसेगा, हर के दिल में बसेगा, बसेरा मतलब कहीं भी ऐसा नहीं छूटेगा कि जहां वो नहीं बसेगा, ये मेरी तहे दिल से दुआ है कमाल खान के लिए। और जावेद मीर साहब जो प्रोड्यूसर भी हैं और डायरेक्टर भी हैं, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं जो कमाल खान को एक बहुत बड़े मौका दे रहे हैं और देते आ रहे हैं। और हमने इस बसेरा के अलावा एक फिल्म भी किया है कमाल भाई के साथ में जिसका नाम है सुल्ताना, अभी उसका कुछ शूटिंग बचा हुआ है, कुछ किए हैं, अभी शायद इस अक्टूबर में चालू होगा, तो ये बहुत अच्छा काम हुआ है इनका, काम हुआ है कि आगे बढ़ते रहें और इसी तरीक़ा से बढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे, और इंडस्ट्री में तो कोई एक बैग बैठ के नहीं बढ़ता है, थोड़ा थोड़ा करके दिरे, आगे सब बढ़ते रहते हैं। और एक रात में किसको कब भी कति स्टार बना दे ऊपर वाले जानता है, तो मैं ऊपर वाले से यही दुआ करूंगा, अल्लाह से यही दुआ करूंगा कि इस बसेरा रिलीज एल्बम के बाद रातों रात हमारे कमाल भाई स्टार बने, सुपर स्टार बने। वाह नमस्कार, मैं बॉलीवुड एक्टर रमेश गोयल, मैं इस तरह के फंक्शंस बहुत सालों से देख रहा हूँ, मैंने भी बहुत काम किया है और मीडिया जिस तरह से आज यहाँ छाई हुई है बहुत दिनों के बाद में देखा है इतना मीडिया का होना, बहुत अच्छा साइन है प्रोड्यूसर के लिए, डायरेक्टर के लिए,
जावेद मीर साहब को मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद और ताहिर कमाल खान साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद। मैं एक ही बात कहूँगा, आज इंडस्ट्री का बहुत बढ़िया टाइम चल रहा है इस वक्त, इतना बढ़िया टाइम चल रहा है कि बहुत सालों के बाद में ये देखने को मिल रहा है, गदर 2 सुपर 8, पठान सुपर 8, जवान सुपर 8 और बसेरा भी सुपर 8। मैं दिल से आशीर्वाद देता हूँ कि ये बसेरा जिस तरह से तीनों फिल्में सुपर 8 है, ये बसेरा भी उसी तरह सुपर 8 हो, यही भगवान से प्रार्थना करता हूँ और इसके हर इसकी टीम का हर आदमी सुपर हिट हो। ऑल द बेस्ट, गुड लक, बाय बाय, जय हिंद। इंटरव्यू करना पड़ेगा ना, ऐसे कैसे लेना पड़ेगा ना, चुप रहे शंकर, साइलेंस, रुक जा, कहाँ जा रहा? हमारे बीच में नीतिका शर्मा बेहतरीन एक्ट्रेस आई है, बहुत ही प्यारे अरे वाह, सही में यार बेटा, पीछे ना उसको क्या स्नाकर सलीम क्या नाम? तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि हमें दर्शन के लिए निकलना है और बहुत सारे दर्शन, वैसे आप लोग के दर्शन हो गए, तो क्या क्या सुनना चाहेंगे आप लोग? सबसे पहले घुंघरू यार, हर जगह घुंघरू हो गया थे, घुंघरू में भी बहुत सारे घुंघरू होते हैं, जैसे कि पहले एक पायल होती है, पायल थोड़े से बड़े घुंघरू, ढेर सारे घुंघरू, गन्ने के रस के घुंघरू, बैलों के घुंघरू, तो मैं सबसे पहले मेरे दोस्त कमाल को ढेर से शुभकामनाएं दूंगा बसेरा के लिए, और मीर खान साहब जो कि मैं उनके लिए भी ये कहूंगा कि भाई आप कमाल है, मीर साहब आपको आना ही होगा, ये होना है, और मैं चाहता हूँ कि मीर साहब के लिए जोरदार थाली होनी चाहिए। मेरे प्यारे भाई बहनों, मेरे देशवासियों, क्या आप सभी को मीर के लिए ताली बजानी चाहिए कि नहीं बजानी चाहिए? बजानी चाहिए कि नहीं बजानी चाहिए? भाई कमाल के डायरेक्टर साहब और हमारे खतरनाक एक्टर, बोले तो ताई भाई हैं, आओ ना भाई, आप कहाँ कहाँ जाकर, जैसे कि मैंने कहा था कि वायरस की फिर बात करता हूँ मैं क्योंकि हमें तुरंत निकलना और इतने बड़े बड़े दिग्गज यहाँ पे मौजूद है, उनको भी आना है। उससे पहले मैं चाहूँगा मेरी बिटिया है वो कुछ आपको शुभकामनाएं देना चाहती है उनके अंदाज में, उनके पास भाभी जी घर पर वो भी है, उनके पास गया भाभी भी है, आप भाभी को बुला लूँ? तो भाभी को आप बुलाओ, भाभी जी स्टेज पे आए, क्या कहूँ। सबसे पहले आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं बसेरा के लिए, क्योंकि आई एम श्योर बड़ी मेहनत से हम कोई भी चीज़ को बहुत अच्छे से क्रिएट करते हैं और वो लोगों तक वैसे ही पहुँचे जैसा हमने उसे बनाया है। सो ऑल द वेरी बेस्ट, और मैं दिल से दुआ करूँगी कि बसेरा सबके मन में बस जाए। तो डैडी वाला वायरस थोड़ा बहुत आ चुका है तो मैं कंगना रानौत जी के स्टाइल में कुछ कहना चाहूँगी। Oh my God, कमाल जी, क्या बात है, यहाँ पे तो सब लोगों को देख के कमाल मजा आ गया। You know what, ये बसेरा जो ये गाना है ना, इसको देख के तो मैं फूले नहीं समा पा रही हूँ। I'm so funny sometimes. Oh my God. And if Ananya Pandey was here, oh my God, you know what, I can touch my tongue to my nose. That's my talent. हाँ बरबुद्धि जी, वो कहाँ कहते हैं? वो बसेरा को देख के तो ये गाना हमारे मन में ही बस गया है। ये एल्बम का नाम क्या है? सही पकड़े हैं। क्या बात है? Thank you. तालियां, 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 तालियां। तो
जैसे कि धवनी जैसे पापा इतने टैलेंटेड हैं, मैं इनकी जितनी भी तारीफ करूँ कम है। वीआईपी जी हिंदुस्तान के नंबर वन कॉमेडियनों में इनका नाम शुमार है माशाल्लाह। वीआईपी जी तो जैसे कि धवनी इनकी बेटी है और भाभी उधर खड़ी हुई हैं, तो धवनी की खास बात यह है कि इनका जैसे नाम विजुअल भी ले लेते हैं। इसका क्या बात है, क्या बात है, चलिए डन वीडियो तो स्टार्ट। साहब आप बोलिए ना, आप बोलिए साहब। और अक्षय कुमार, सबसे पहले मैं कमाल साहब को ये कहूंगा कि भाई आपने जो ये बसेरा, ये जो बसेरा किया कमाल का बसेरा, और मीर साहब आपने जो कमाल के डर में आकर, तो मेरी तरफ से ट्विंकल की तरफ से भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और शाहरुख खान की तरफ से भी कहूंगा कैसे हो आप लोग यार, देखिए मेरा नाम है संबित पात्रा, किस तरह के लोग है। देखिए पहले तो मिहिर साहब, देखिए मिहिर साहब कहाँ गए मिहिर साहब देखिए यहाँ खड़े हैं। देखिए इन्होंने शूट किया है पूरा, और हमारे कमाल साहब इन्होंने तो भाई कमाल किया है, बाइक पे बैठ के कमाल कर रहे हैं, हर जगह बसेरा कर रहे हैं। अरे ऐसा बसेरा क्या बाबू कमाल कर दिए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है, सुनिए हमारी पूरी टीम की तरफ से और हमारे सभी भाइयों को ये कहूंगा कि बहुत बहुत बधाई हो। नत्था साहब कुछ कहेंगे आप? नत्था साहब हाँ, यस यस नत्था जी। अरे नत्था साहब के लिए तालियां होनी चाहिए जोरदार, प्लीज। मैं ये कहूंगा कि बसेरा जो म्यूजिकल एल्बम रिलीज होने जा रहा है, खास करके कमाल साहब को और मैं मीर साहब को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। और सबसे बड़ी बात तो मैं मेरी बिटिया को बहुत बधाइयाँ देना चाहता हूँ कि वाह जी बहुत प्यारी बिटिया ने बहुत ही अच्छा गाया, और मुझे पूरी उम्मीद है कि बसेरा जो है ये आपका एल्बम बहुत चलेगा। और कमाल साहब के लिए मैं इतना ही कहूँगा कि जब जब भी इन्होंने जो भी काम किया कमाल का किया है, और अल्लाह ताला ईश्वर भोलेनाथ की इनमें हमेशा कृपा रही है तो हमेशा बनी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो रमेश जी, रमेश सर, वो बाद में रहेंगे ना, कहीं सारे लोगों का आवाज जो उनके कंठ में है, वो हम सबके बड़े भाई हैं, कॉमेडी के वो यूनिवर्सिटी है, और ऐसे सुपरस्टार कॉमेडियन ना मैं वीआईपी में प्लीज सर आपको बुलाता हूँ स्टेज पे, प्लीज आइए सर वीआईपी साहब, क्योंकि आपके सामने हम कुछ नहीं है आप सब सीखते हैं सर, तो वीआईपी साहब सिर्फ 2 मिनट खाली, आप 10 मिनट 5 मिनट जो हो कमल खान के साहब के लिए। आज स्पेशल कमल भाई के लिए आया हूँ मैं, क्योंकि कमल भाई आओ ना एक बार बार, आज पहली बार मैं मेरे पूरे परिवार के साथ में आया हूँ, क्योंकि ये कमल भाई का सवाल है। भाई पहले आपको बहुत शुभकामनाएं, मतलब आप अपनी जितनी बार कमाल की है, और ये जो है बसेरा, आप जहाँ जाओ वहाँ पे आपका बसेरा हो, सबके दिल में तो बसेरा आपका है। और आज जैसे कि मैंने कहा कि मेरी बिटिया भी आई है, उसके अंदर भी मेरे तरह की वायरस है